फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सेरा नामक तोक है। तो इसी तोक में इतनी जनता एकत्रित हो रखी है, तो पूरे 19 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनता खड़ी हो रखी होगी आप खुद ही अनुमानित कर सकते हैं। यो हमारे पूरे मतलब विश्व भर में एकमात्र ऐसा आंदोलन चलाया गया कि 19 किलोमीटर में मानव श्रृंखला को निर्धारित किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं, युवा साथी और नौजवान, जितने भी बुजुर्ग, सभी लोग एकत्रित हो रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर से ड्रोन से भी इस जो मानव श्रृंखला है इसकी लाइव तस्वीरों को शूट किया गया है, यानी इसकी पूरी कवरेजिंग की गई है। तो न्यूज़ चैनल में भी यही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होगी, हर न्यूज़ चैनल में छा गया है, यानी हमारे इस घाट ब्लॉक की जो मानव श्रृंखला को यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं सभी लोग कितने आक्रोश हैं अपनी और अपनी, जो सभी लोग चाहते हैं कि ये रोड जो है ये जल्द से जल्द डेडलाइन में हो जाए, यानी रोड चौड़ीकरण हो जाए। तो ये अपनी मांग के लिए यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करे और यहाँ पर रोड चौड़ीकरण हो जाए। तो क्योंकि बहुत सारी दुखों को झेलना पड़ता है इस रोड में, तो ये आप देख सकते हैं लोग काला झंडा लेकर भी सरकार का विरोध कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगें जल्द से जल्द सुने और इस रोड का कुछ भला हो जाए और आम जनता जो यहाँ परेशान है वो खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो बने रहिए अंत तक। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले आज आपको बता दूं हम यहाँ पर ग्वाला में खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ से लाइन लगी हुई है पूरे जो घाट ब्लॉक की जनता है। तो यहाँ पर मेरे भाई पवन जी हैं। तो पवन जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस विषय में इस पुल में खड़े हैं और यहाँ पर अभी इससे आगे बहुत ठंड है और यहाँ पर थोड़ा बताइए आप किस विषय में यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले मेरा संभ्रांत जनता को सादर प्रणाम। जैसे कि आपको विदित होगा कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो विगत कई दिनों से, मतलब एक महीना लगभग पूरा हो चुका है, तो ये एक आमरण जो जन आंदोलन चल रहा है ये रोड लाइन डेड लाइन के परिप्रेक्ष्य में। तो आज हम एक मानव श्रृंखला के रूप में इस ग्वाला में खड़े हैं और एक बड़ी कतार में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो और शासन प्रशासन विभाग से हमें जो है जल्दी से जल्दी एक वो मिले, न्याय मिले कि हमारा जल्दी से जल्दी ये डेडलाइन का काम शुरू हो। तो आगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जैसे जैसे हमारे साथ जनता आएगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर घाट की शमरांत जनता यहाँ पर पहुंची हुई है इस रोड की चौड़ीकरण में अपनी सहभागिता देने के लिए। सुनी देवी क्या सुनी देवी भी अलग है।
तो गाइस अभी मैं ये लाइव फुटेज थिरपाक पुल के ठीक सामने का दिखा रहा हूँ। तो आपको बता दें यहाँ पर थिरपाक पुल के एरिया में जितने गांव आते हैं यानी वहाँ के भी सभी लोग आप देख सकते हैं, पुरुष महिलाएं छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी लोग अपने इस जो हमारा जन आंदोलन है 19 किलोमीटर की मानव श्रृंखला, तो इसमें अपना प्रतिभाग यानी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सभी लोग चैन के रूप में यहाँ पर खड़े हो रखे हैं और ड्रोन से इनकी पूरी कवरेजिंग की जा रही है। तो ये विश्व भर में एक महत्वपूर्ण पहल है। माताओं बहनों के निवेदन है कि आप एक तरफ लाइन पे लग जाएं, एक तरफ बारह ग्यारह तक अच्छा कबीर उतार जिंदाबाद।
मातृशक्ति जिंदाबाद 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 क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद 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 मातृशक्ति जिंदाबाद 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 नन्हे मुन्ने बच्चे वयोवृद्ध 80 वर्ष के वृद्ध माताएं बुजुर्ग इस मानव श्रृंखला में सम्मिलित हुई है और हमारा एक ही क्षेत्र के प्रति एक ही मांग है कि नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग डेट लाइन बने, तभी हम संतुष्ट रहेंगे, अन्यथा यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। यह शासन और प्रशासन के लिए चुनौती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पर मान जो नंद ड्रोन के साथ वीर भाई जरा कुछ बताएं, ये जो इतनी बड़ी जन आंदोलन है सभी लोगों को दिख रहा है कि ये हमारी मुख्य मांगे हैं जिसके चक्कर में सारी हमारी जनता पीछे है। आज हम लोग इस जन हम लोग बहुत आगे आ गए हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं आज हम यहां पर जो घाट और नंदप्रयाग के बीच जो रोड को चौड़ीकरण के लिए एक जन आंदोलन यहां पर मानव श्रृंखला के रूप में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम इस मानव जो जन श्रृंखला है उसको ड्रोन के द्वारा शूट किया जा रहा है और मेरा यूट्यूब पर भी आपको दिखाया जा रहा है। तो सभी लोग आनंद लें और जो जितना साथ दे सकता है इस चीज़ में तो वो जरूर अपने सहभागिता निभाएं। मेरी लाइफ का तो सबसे पहली बार मैंने ऐसा देखा कि इतने घाट की जनता पूरी उभर कर सामने आई है ताकि उन्हें रोड मिले और अच्छी मिले। आप देख सकते हैं इस रोड पर हम चल रहे हैं, ये बहुत पतला है, यहाँ से ट्रक भी नहीं गुजर सकती है और आप देख सकते हैं गड्ढा गड्ढा बहुत भी है। उधर देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर, तो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गड्ढा है। तो इस गड्ढे से यहाँ घाट की सम्रांत जनता परेशान है और यहाँ पर आए दिन मतलब जब रोड ये छोटा है तो यहाँ पर प्रत्येक महीने में यहाँ पर बहुत ही एक्सीडेंट के सामने दिखते हैं। तो जनता चाहती है कि हम इस दुख के घड़ी को ना देखकर हम एक दिन का अपना यहाँ पर मानव श्रृंखला में प्रतिभाग करें। भविष्य की बात है और भविष्य की बात है कि अगर ये रोड सही हो जाती है तो हमें जो परेशानियाँ और दुख आज तक झेलनी पड़ी है उस दुख का समाधान इसी रूप में हो सकता है कि रोड अगर चौड़ी हो जाए तो सभी घाट की जनताओं को बहुत परेशानियां दूर हो जाएगी और सभी खुशी से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी तो टाइम से घर पहुंचे। आप सभी को पता है कि अगर हम घाट से नंदप्रयाग जाते हैं तो एक डेढ़ घंटा मिनिमम हमें नंदप्रयाग जाने में लग जाता है, अगर 19 किलोमीटर वो भी अगर रोड सही रहेगी तो हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और अब 18-20 आधा घंटा जितना भी हो तो मतलब एक घंटे की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सभी जनता चाहती है कि ये रोड जल्द से जल्दी पूरा हो जाए और हमारा समस्या का समाधान हो जाए। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पर।
आईफोन की देन देन।
आपके सहयोग के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने धर्मस्थल पे पहुंचे हैं तो आपके भोजन की व्यवस्था लक्ष्मी मार्केट बैंड बाजार में की गई है, आप अपना भोजन अवश्य ग्रहण कर लें। सभी से मेरा अनुरोध और आग्रह, सभी साथियों से मेरा अनुरोध और सबसे पहले मनोज रावत जी उच्च से पहुंच जाते हैं, वो भी हमारा अनशन में बैठेंगे और क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत और इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता युवाओं की प्रेरणा भाई गुजराल जी जब भी कहीं हमारा अनशन करने की बात आती है तो सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अपने प्राणों की अगर आम की भी देने के लिए क्षेत्र के लिए तीसरी बार आम जनमानस की आवश्यकता तीसरी बार हम भी आप राशन कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए तीसरी बार में बैठ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी भाई, मोदी जी आपने आपके साथ आए थे हमारे जो बड़े भाई यहाँ पर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए नंबर आधार को बता दी थे चौड़ीकरण को लेकर आंदोलन पर बैठे थे और सात तालियों के काम से बड़ी जनता का अनुरोध करूँगा कि इनके कब्जे के लिए सलाम करें, जब तक क्षेत्र की आवश्यकता हुई है जब तक क्षेत्र को जरूरत पड़ी है हमारे बड़े भाइयों ने लगातार चाहे उनकी आवश्यकता।